हेलो एवरीवन, मेरा नाम राज। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दिवाली आ चुका है नज़दीक, तो ऑफर तो कुछ होना चाहिए। तो आज की वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है। अगर आप दिवाली के लिए वेट कर रहे हो और एक बेस्ट प्राइस में एक 1 BHK फ्लैट देख रहे हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा एक 1 BHK जो कि बिल्कुल रेडी पोजिशन दिवाली ऑफर के साथ में। कितने प्राइस है, कौन सा सिटी है, क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट वीडियो देख लेना है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है जो लोग सब्सक्राइब तो किया है लेकिन नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक नहीं किया है, तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो, जैसे ही मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और उस फ्लैट का आप लाभ उठा पाओ। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 BHK। 1 BHK देखने से पहले आप पैसेज को देख लीजिए। जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल आपका रेडी पोजिशन रहेगा। G+4 का हमारा बिल्डिंग है। इस तरफ आपको मिल जाएगा लिफ्ट, बिल्डिंग का OC आ चुका है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों। और काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुके हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका स्टेयरकेस, और हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपका 4-4 फ्लैट। और फेसिंग की अगर बात कर लेते हैं, फेसिंग है आपका ईस्ट वेस्ट, जो कि काफ़ी सारे लोग का रिक्वायरमेंट रहता है। अब हम देख लेते हैं लिविंग को। आज जो मैं आपको फ्लैट दिखाऊंगा 580 square feet का 1 BHK का फ्लैट है। जिस कंडीशन में, वही कंडीशन में देख लेंगे, बाकी दिवाली का क्या क्या ऑफर रहेगा वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लिविंग का साइज़ देख लीजिए। अच्छा खासा आपको यहाँ पर लिविंग का साइज़ मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये लिविंग का जो साइज़ हो गया ये आपका 14 फीट आसपास लिविंग का साइज़ हो गया, जो कि एक अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 10 फीट, ऐसे में आपको 10 फीट, ऐसे में आपको 14 फीट। बाकी बिल्टअप एरिया मैंने आपको बता दिया। 580 square feet का 1 BHK का फ्लैट है, जो कि बिल्कुल रेडी पोजिशन फ्रंट फेसिंग पर यह फ्लैट आपको मिल जाएगा। और जैसे आप एंट्री करेंगे इस वाले वॉल पे आपको मिल जाएगा पावर पॉइंट, जो कि लाइट और फैन के लिए। वायरिंग भी हमने पॉलीकैप का यूज़ किया है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपका टीवी के लिए रहेगा। अगर आप चाहते हो इस वाले वॉल पे टीवी रखना है, और इस तरफ अगर आप सोफा रखते हो, तो बाकी का पूरा लिविंग का एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल रहा है। एक मैं आपको सजेस्ट करूँ, बाकी आपका अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। फ्लैट पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, पोजिशन के वक्त आपको एक बार और कलर करके दे दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बालकनी को। ये रहा आपका बालकनी दोस्तों, लिविंग के सामने एक आपको बालकनी मिल जाएगा। साइज भी आपका अच्छा खासा ही रहेगा, 2 फीट के आसपास रहेगा। और लंबाई में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8.5 फीट के आसपास यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपका बालकनी। आप बाहर का व्यू देख सकते हो, बहुत ही शानदार व्यू यहाँ से मिल जाएगा। आसपास में काफ़ी सारे डेवलप हो चुका है, G+4, G+7 का काफ़ी सारे बिल्डिंग यहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुका है। स्टेशन भी आपका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा, वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा। बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपको सारे ज़रूरी सामान मिल जाएगा। रिलायंस मार्ट अगर आप बोलेंगे तो 2 से 5 मिनट का वॉकिंग पे आपका रिलायंस मार्ट रहेगा। अगर आप मेन साई मंदिर चौक में जाएंगे वो भी आपका 2-3 मिनट वॉकिंग रहेगा। वहाँ पर आपका किराना दुकान से लेके, भाजीपाला से लेके, स्कूल से लेके, हॉस्पिटल से लेके, सारी चीज़ आपका अवेलेबल रहेगा नियर बाय। तो G+4 का भी ये बिल्डिंग है, रेडी पोजिशन बिल्डिंग है, सिंगल ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ये फ्लैट है आपका 4th फ्लोर पर, बिल्कुल फ्रंट फेसिंग पर ही ये फ्लैट आपको मिलेगा। तो चलिए अभी लिविंग से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अभी पैसेस की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका पैसेस, एफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, दिवाली ऑफर भी है, तो मिस मत कीजिए। दिए गए नंबर पे कॉल जरूर कर लेना। लंबाई की बात कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 यानी कि 8 फीट, ऐसे आपको लंबाई में पैसेस का साइज मिल जाएगा। ऐसे में आपको मिलेगा 3 फीट का आसपास यूज करने के लिए। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सेंटर में आपको दिए गए एक वॉश बेसिन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पावर पॉइंट आपका ऊपर रहेगा, जो कि आप बाथरूम के लिए एक्सेस कर सकते हो। ऊपर आपको मिल जाएगा 500 लीटर का आप टैंक इजीली रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, नहीं बल्कि लगाकर ही रख दिया है यहाँ पर, तो आपको इसका भी कुछ भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अब आप देख लीजिए बाथरूम को, बाथरूम भी आपका बिग साइज का है, छोटा मोटा नहीं है। लंबाई भी ये अच्छा ही मुझे दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6.5 फीट के आसपास ये लंबाई में आपका बाथरूम है। और ऐसे में आपको यूज करने के लिए मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 4 फीट, ऐसे 6.5 फीट आपको लंबाई में मिल जाएगा। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगाकर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो शानदार क्वालिटी का आपको टाइल्स मिल जा रहा है। और इस तरफ आपको विंडो रहेगा, फिटिंग हमने करके रख दिया है, तो फिटिंग के लिए भी आपको यहाँ पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंदर ही एक आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा, जो कि आपका रहेगा गीजर के लिए। अब हम चलते हैं इसका टॉयलेट की तरफ, टॉयलेट भी आपका अच्छा ही रहेगा। इस तरफ आपका टॉयलेट, ये रहा दोस्तों आपका टॉयलेट। टॉयलेट का साइज भी अच्छा है, चाहो तो आप वेस्टर्न भी सेट कर सकते हो, और इसका आपको अलग से खर्चा पे करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया। बाकी आपको यहाँ पर इंडियन मिल जा रहा है, 1, 2, 3, 4 फीट ऐसे है, और ऐसे में आपको 1, 2, 3, 4, 4 बाई 4 का आसपास दिए गए हैं आपका टॉयलेट। इस तरफ आपका विंडो रहेगा एज इट इज, यहाँ पर भी आपको वॉल टू वॉल टाइल्स लगाकर दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं इस फ्लैट का किचन को, जो कि शानदार है,
किचन का साइज भी आपको पसंद आएगा। आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म छोड़ के बाकी का एरिया आप यूज करने के लिए आपको कितना मिल रहा है। साइज में आपको गिन के बता देता हूँ, 1, 2, 3 यानी कि 6 फीट 7 फीट का आसपास ये लंबाई है, और ऐसे में आपको यूज करने के लिए मिल रहा है 1, 2 यानी कि 4 फीट है, 5, 5.5 फीट का आसपास आपको किचन में यूज करने के लिए मिल जा रहा है। इस वाले वॉल पे एक आपको पावर पॉइंट दिया गया है जो कि आप फ्रिज के लिए यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, लाइट और फैन के लिए भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये आपका प्लेटफॉर्म रहेगा ब्लैक मार्बल का, यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म दिया गया है। स्टेनलेस स्टील का आपको यहाँ पर सिंक मिल जाएगा, पानी पानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 24 आवर्स, ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी आपको मिल जाएगा। एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि आप मिक्सर के लिए यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि आप एक्वा के लिए यूज कर सकते हो। ये वेंटिलेशन के लिए आपको बड़ा सा विंडो आपको मिल जाएगा, 5 बाय 8 का आसपास आपका ये विंडो रहेगा, और किचन के सामने आपको मिल जाएगा बालकनी। सभी में आपको बालकनी दिया गया है, चाहे वो किचन में हो, चाहे वो लिविंग में हो, चाहे वो बेडरूम में हो, सभी में आपको यहाँ पर बालकनी दिए गए हैं। बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का बाहर का व्यू रहेगा, लिविंग का व्यू एक अलग रहेगा, और किचन का व्यू और लिविंग का जो व्यू है वो सेम रहेगा, बाकी बेडरूम का व्यू आपको कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं अभी बेडरूम की तरफ। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वाले वीडियो को, ताकि उनको भी दिवाली का एक लाभ मिल जाए। बेडरूम का साइज आप देख सकते हो, अच्छा खासा ही आपको यहाँ पर बेडरूम का साइज मिल जाएगा। साइज में आपको गिन के बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ये 10 फीट ऐसे में मिलेगा, और ऐसे में आपको यूज करने के लिए मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10 बाय 10 का आसपास ये आपका बेडरूम है। तो बेड लगा कर भी आपको वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाएगा। खैर वार्डरोब आप यहाँ पर बना भी सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर वार्डरोब के लिए आपको यहाँ पर कॉर्नर पे स्पेस दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर एक वार्डरोब सेट कर सकते हो। बाकी के एरिया आप बेड लगा कर भी आपको एल शेप में ऐसे यूज करने के लिए मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए इसका बालकनी को, ये रहा दोस्तों, ये आपका बालकनी है, बड़ा सा आपको मिल जाएगा बालकनी। बालकनी के साइज में आपको गिन के बता देता हूँ, ये मुझे काफी बड़ा लगा एज कम्पेयर टू लिविंग और किचन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फीट आपका लंबा है, और ऐसे में आपको मिल जाएगा 2 फीट के आसपास लंबाई में 10, और ऐसे में आपको 2 फीट के आसपास मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेडरूम का जो व्यू है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए सामने का जो आप माउंटेन देख पा रहे हो, ये है आपका माथेरान का मेन माउंटेन। फिलहाल मैं दोपहर का टाइम पे शूट कर रहा हूँ तो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, ये पूरा आपका माथेरान का माउंटेन है। ये वाला ही व्यू आपको मिलेगा एज इट इज, आपको व्यू रहने वाला है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 3 माले का बिल्डिंग बन चुका है। सामने का भी ये G+4 का है, सामने G+7 का है, तो काफी तेजी से सिटी डेवलप हो रहा है। तो मिस मत कीजिए, दिए गए नंबर पे कॉल करके विजिट के लिए आप लोग प्लानिंग जरूर कर लेना। कम बजट है तो भी आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, काफी सारे प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है। तो जब आप आएंगे तो 4-5 प्रॉपर्टी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, बजट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। लाइक आपको कॉम्प्लेक्स में जाना है, सिंगल बिल्डिंग में जाना है, हर बिल्डिंग का लोकेशन का ऊपर प्राइस डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सा है, बिल्डिंग में फैसिलिटी क्या क्या दिए गए। बाकी अगर कम बजट है तो भी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। रही बात इस वाले फ्लैट का जो डाउन पेमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, अगर आप 90,000 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट देके इस वाले फ्लैट को परचेस करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो 3-4 लाख 5 लाख दिया जाए तो भी पॉसिबल है। बैंक लोन 80% 90% 95% तक भी हम ट्राई करते हैं। 95% किसका होता है, जिसका सिविल वगैरह अच्छा है, सैलरी बहुत ही अच्छा है, उनका 95% तक हो जाता है। अदरवाइज हम 20% के आसपास आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा, बाकी आपका लोन हम करवा के दे देंगे। तो G+4 का बिल्डिंग है, रेरा अपलोड बिल्डिंग है, बिल्डिंग का OC आ चुका है, सिंगल फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है। तो मिस मत कीजिए, इस फ्लैट का जो टोटल इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस है उसका आपको जाएगा 17 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। रही बात दिवाली ऑफर, दिवाली ऑफर, दिवाली का पहले अगर आप इस फ्लैट को बुकिंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा किचन ट्रॉली, दूसरा आपको मिल जाएगा फॉल सीलिंग। 17 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं है। लेकिन अगर आप दिवाली का पहले बुकिंग करते हैं तो आपको किचन ट्रॉली मिल जाएगा, प्लस आपको फॉल सीलिंग मिल जाएगा। EMI की बात कर लेते हैं, EMI अप्रोक्स आपको अगर आप 1 लाख के आसपास डाउन पेमेंट देंगे तो आपको 15-16 हज़ार के आसपास EMI निकल के आएगा। अगर आप 2-3 लाख रुपया डाउन पेमेंट देते हैं तो आपको अप्रोक्स 13-14 हज़ार के आसपास EMI पे करना पड़ेगा। 1 BHK के लिए सैलरी अप्रोक्स 20-22 हज़ार के आसपास सैलरी होना चाहिए, तब जाके आप एक 1 BHK फ्लैट परचेस कर सकते हो। सारे डाउट क्लियर हो गया रहेगा। अगर कुछ भी अभी भी मन में कुछ डाउट है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग कीजिए, कुछ क्वेरीज है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।